खरगोन जिला प्रशासन एवं महिला बाल विकास द्वारा मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित किया गया। शुरुआत कन्या पूजन से हुई। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामाजिक संदेश पर आधारित नाटक का मंचन भी किया गया। कलेक्टर अनुग्रह पी ने कहा, महिला बाल विकास अधिकारी रत्ना शर्मा ने बताया, हॉल में स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले बच्चों को पुनर्वास एवं निजी स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत कोरोना से मृत एकल माता पिता वाले बच्चों को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा महिलाओं को भी महिला आर्थिक उत्थान योजना के तहत 10,000 रुपए से 50,000 रुपए की राशि के ऋण वितरण किए गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लेना है और हमेशा मेरा टीएल मीटिंग में भी बताती हूँ, मेरे जितने भी महिला अधिकारी है वो जो पुरुष अधिकारी है उन लोगों से बेहतर काम करते हैं। वो भले मेरा एलटीएम हो, मेरे पास 2 महिला एलटीएम है, मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ आप लोग तो मेरा दूसरे एसटीएम से बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भी वही है, और जो मेरे सामने बैठे हैं सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आप लोग को भी वही मैं बोल रही हूँ, आप लोग जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। खासतौर पर आज मैं ये बात रखना चाह रही हूँ, 1 साल पहले इसी समय मार्च और अप्रैल में जो है कोरोना के दूसरे लहर बहुत बहुत सीवियर था, ज़्यादा लोग उसमें प्रभावित हुए हैं, पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का जो लड़ाई में हमने जीते थे वो इसीलिए संभव हो पाए थे क्योंकि महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता हो हर घर जाके आप लोग ने सर्वे किया है, आप लोग ने दवाई बांटे थे, इसीलिए जो है ये कोरोना का लड़ाई में हम सफल हो पाए थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई है, आपके कार्य के वजह से हम कोरोना का जो लड़ाई हुआ था उसमें हम जीत पाए थे। ऐसे ही अभी जो टीकाकरण अभियान चले थे उसमें भी आप लोग का जो है भागीदारी बहुत अच्छा था, इसलिए हमने हर घर का जो व्यक्ति है पात्र व्यक्ति है उन लोगों को टीका लगा पाए थे। महिला बाल विकास की जो मूल काम है वो तो आप करते ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग ने बहुत अच्छा दूसरे डिपार्टमेंट का काम में भी सहयोग किया है, जैसे एजुकेशन विभाग में भी करते हैं। मिलकर ये बनाए महिलाओं को सम्मान किया जाए, हमको हम पूरे साल पूरी जिंदगी महिलाओं के सम्मान के लिए काम करते रहना है और हम कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो गिरी चुनी पड़ी और पीछे पिछड़ी स्थिति में हैं उन सब लोगों को आगे लाना ही हमारा उद्देश्य है। और मैडम को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि महिला बाल विकास विभाग हम सब महिलाएं मिलकर हमारी जिले की जितनी भी महिलाएं हैं जिसको हम आगे बढ़ाना है, आर्थिक रूप से करना है, उनकी स्वास्थ्य के रूप महिला बाल विकास विभाग आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य हो, इन सबसे हमको उनको आगे बढ़ाना है। और जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं मेरा जितना भी स्टाफ है लगातार हम इनके लिए काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और आज का उद्देश्य यही है हमारा कि आज हम ये संकल्प लेते हैं कि महिला बाल विकास विभाग कलेक्टर महोदय हमारी मार्गदर्शक है, उनके प्रेरणा में हम लोग उनसे मार्गदर्शन में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी या तो स्वास्थ्य हो या आर्थिक रूप से पिछड़ी हो, ऐसी कोई पीड़ित महिलाएं जिनको अपनी घरेलू हिंसा से पीड़ित हो, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी महिला को भी तकलीफ हो, तो आधी रात में भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स मेरा पूरा स्टाफ हमेशा तत्पर रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।